इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हमने अपनी पूरी शीट में से किसी पर्टिकुलर एरिया का प्रिंट लेना है तो वो कैसे लेंगे। तो लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करते हैं। जैसे कि सपोज मैंने ये टेबल यहाँ पे क्रिएट किया, अब मैं चाहता हूँ कि जैसे सपोज मैं इसमें से फर्स्ट जो मैंने ये लाइन सिलेक्टेड की हैं, एक हेडिंग्स वाली और दो रिकॉर्ड, इन्हीं का ही प्रिंट आउट लेना है। जो थर्ड और फोर्थ रिकॉर्ड है उनका प्रिंट नहीं लेना है। तो अब इन दोनों का प्रिंट हम कैसे ले सकते हैं? तो इसके लिए आप पेज लेआउट में जाएंगे और जिस एरिया का आप प्रिंट लेना चाहते हो, जैसे जितने रिकॉर्ड्स का आप प्रिंट लेना चाहते हो उनको आप सिलेक्ट करें। और यहाँ पे एक इसका ऑप्शन दिया होता है प्रिंट एरिया, इसमें जाके आप सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दें। तो सेट प्रिंट एरिया पे जब आप क्लिक कर देंगे तो ये क्या करेगा, उतने एरिया का ही प्रिंट लेगा। तो जैसे सपोज अब मैंने सेट कर दिया है, अब आप फाइल में जाके प्रिंट पे क्लिक करें तो ये क्या करेगा, उतने ही रिकॉर्ड्स जितने मैंने सेट किए हुए हैं प्रिंट एरिया में उतने ही रिकॉर्ड्स को प्रिंट करेगा और उतने का ही प्रीव्यू आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम पूरी शीट में से किसी पर्टिकुलर एरिया का प्रिंट ले सकते हैं कि जितना मेरे को चाहिए उतना ही हम उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि इसको मैंने क्लियर करना है जो मैंने सेट किए हुए हैं, तो आप फिर से सिलेक्ट करें उस एरिया को और प्रिंट एरिया में ही जाके इसका सेकंड ऑप्शन है क्लियर प्रिंट एरिया। तो जब आप क्लियर पे क्लिक कर देंगे तो ये क्या करेगा, उस एरिया को क्लियर कर देगा। अब आप जब प्रिंट लेंगे तो कंप्लीट जो आपने टेबल बनाया है उसी का ही प्रिंट आएगा पूरे का। तो ये आप ये देखें। तो इस तरह से आप MS Excel में किसी पर्टिकुलर एरिया का प्रिंट ले सकते हैं। थैंक यू।